Hello friends, welcome to Economic Darpan. Friends, from today, we are going to start a new series called Revision of NCERT Books through MCQs for the preparation of UPSC prelims and other state competitive exams. So this series will be important for your exam preparation. We will take a topic one by one and we will do the MCQs of that very topic. So let's start. Today's topic is theory of consumer behavior. This is an important concept or the theory of microeconomics. So let's do which question can be asked in examination related to this very topic. First question is, pick the odd one out. इनमें से जो अलग ऑप्शन है उसको हमने पिक करना है. ऑप्शन ए इज लग्जरीज, ऑप्शन बी इज कंफर्ट्स, ऑप्शन सी इज नेसेसरीज एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चरल गुड्स. ऑप्शन ए इज लग्जरीज, ऑप्शन बी इज कंफर्ट्स, ऑप्शन सी इज नेसेसरीज एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चरल गुड्स. सो द राइट ऑप्शन इज agricultural goods. Luxuries, comforts and necessaries are the three types of goods in microeconomics, but agricultural goods is something different. Question number two. Choice is always constrained or limited by the dash of our resources. Hamari jo choice hai, freedom of choice hai, wo kahan pe jaake limited ho jati hai. Option A is scarcity. Option B is demand, option C is abundance, and option D is supply. So hamari choice kahan pe jaake limited ho jati hai? Resources ki scarcity ke upar. Because human wants are limited and resources are scarce. Question number three. When marginal utility reaches zero, the total utility will be dash. Minimum या फिर maximum होएगी या फिर zero हो जाएगी या फिर negative. जब marginal utility zero level पे पहुंच जाती है तो total utility कितनी होती है? Minimum होती है, कम होती है, maximum बहुत ज्यादा होती है या फिर zero level पे ही आ जाती है या फिर negative में चली जाती है. So the right option is मैक्सिमम. जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस लेवल पे. क्वेश्चन नंबर फोर इज गॉसन्स फर्स्ट लॉ इज नॉन एज. जो गॉसन ने लॉज दिए हैं, दो लॉज दिए हैं, उनमें से फर्स्ट लॉ कौन सा है? ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ डिमांड एंड ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. गॉसन का फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एंड व्हाट अबाउट द गॉसन सेकेंड लॉ? इट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? नेक्स्ट इज इनडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन. ऑप्शन ए ऑर्डिनल अप्रोच, ऑप्शन बी कार्डिनल अप्रोच, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल अप्रोच. जो इनडिफरेंस कर्व की अप्रोच है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर, कार्डिनल अप्रोच के ऊपर, सब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर या फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर? So the option A is right. It is based on ordinal approach because indifference curve में क्या है कि जो हमारी satisfaction है वो subjective होती है, उसको हम count नहीं कर सकते, और जब हम count नहीं कर सकते तो उसको हम ordinal approach के अंदर रखते हैं. और the things which can be measured that will put under the cardinal approach. Question number six. Increase in demand is caused by.
अगर डिमांड में इंक्रीज होता है तो इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस कारण में से हो सकता है? ऑप्शन ए इंक्रीज इन टैक्स, ऑप्शन बी हायर सब्सिडी, ऑप्शन सी इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन डी डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। डिमांड में इंक्रीज करना है और इनमें से कौन सा कारण है जो डिमांड को इंक्रीज कर सकता है? ऑप्शन ए इज इंक्रीज इन टैक्स, ऑप्शन बी इज हायर सब्सिडी, ऑप्शन सी इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन डी इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। लेट्स टेक फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो इन उस टाइम पे डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट, लोगों के पास डिप्रेशन में पैसे तो होंगे नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी जिससे कि उनके उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और वो डिमांड इंक्रीज कर देंगे। अगर वो टैक्स को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? ये जो ऑप्शन है ये इन्फ्लेशन में अप्लाई होता है कि अगर मार्केट में डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चला गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को इंक्रीज कर देगी, टैक्स लेवल को। ओके, सो हायर सब्सिडी से हम डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल हो तो इसमें तो कौन सी इलास्टिसिटी होगी? ऑप्शन ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड ऑप्शन डी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो इसका राइट आंसर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि जब इलास्टिसिटी डिमांड 1 के इक्वल होती है तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाती है। अगर ये अगर आपने इसको थोरली रीड किया हो तो ये 5 टाइप्स की होती है, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंज्यूमर बिहेवियर थियरी। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज एसोसिएटेड। ऑप्शन ए इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन बी कार्डिनल एनालिसिस, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ डिमांड एंड ऑप्शन सी डी इज लॉ ऑफ सप्लाई। द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, किसी कर्व का वो पॉइंट जिसमें हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती हो, तो वो कौन सा, किससे एसोसिएटेड है? इंडिफरेंस कर्व से, कार्डिनल एनालिसिस से, लॉ ऑफ डिमांड से या लॉ ऑफ सप्लाई से? सो द राइट आंसर इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है कि हम उसको अपनी सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते, तो ये किससे मेजर होती है? ऑप्शन ए इज रैंकिंग, ऑप्शन बी इज नंबरिंग, ऑप्शन सी इज वर्डिंग एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो ऑब्वियसली अगर हम इसको काउंटिंग नहीं कर पाते तो ये क्या हो जाएगी, रैंकिंग। इट इज मेजर्ड बाय द रैंकिंग, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसे आप अपने ऑप्शंस बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द इनडिफरेंस कर्व आर, ऑप्शन ए वर्टिकल शेप की होती है, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल शेप की होती है, ऑप्शन सी पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है कि नीचे से ऊपर जाती है, या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड होती है कि ऊपर से नीचे आती है। सो द राइट आंसर इज इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। सो फ्रेंड, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर थियरी।